ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश, ज़िंदगी में अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल कीजिए, और अगर सम्मान चाहिए तो अच्छा चरित्र बनाइए। इंसान को जीवन में जो भी अच्छा लगे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो बुरा हो उसे त्याग देना चाहिए, फिर वो अभिमान हो या कोई इंसान हो, क्योंकि सीखना ही जीवन का सही अर्थ है। जब तक जीवन है तब तक इंसान को सीखते रहना चाहिए। आप कैसे दिखते हो या आप क्या हो, इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो कि आप क्या सोचते हो, आपकी सोच कितनी ऊंची है, क्योंकि जितनी ऊंची सोच होगी, जितने ऊंचे विचार होंगे, उतना ही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। और दुनिया के लोगों की बुराई से कभी मत डरो कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि अपनी बुराई को दूर करने की कोशिश करो। अगर लोगों की बातों को यूं ही दिल से लगाते रहोगे तो वो आप पर बोझ बन जाएंगी, और आप उन बातों के बोझ के नीचे दबकर रह जाओगे। बल्कि कोशिश ये करें कि आप उन पर पांव रखकर कुचलकर बहुत ऊंचाई तक आगे बढ़ जाएं। तो जीवन में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह इंसान सुंदर दिखने के लिए प्रयास करता है, वैसे ही अच्छा बनने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। और बुराई से बुराई को कभी नहीं मिटाया जा सकता, बुराई को मिटाया जा सकता है सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम से। इंसान की जुबान एक ऐसी है जिस पर अमृत और विष एक साथ निवास करते हैं। जुबान ही इंसान को अच्छा बनाती है और जुबान ही इंसान को बुरा बनाती है। जब जल अपनी मर्यादा तोड़ता है तब भी वो विनाश का कारण बनता है, और जब जुबान अपनी मर्यादा तोड़ती है तब भी वो विनाश का कारण बनती है, क्योंकि जुबान से निकले हुए शब्द और हाथ से निकला हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अगर कोई आपकी बुराई करता है, आपका अपमान करता है, तो आप मौन रहकर सब कुछ सहन कीजिए, क्योंकि जो सुख मौन रहने में है वो शिकायत करने में नहीं है। और जो भी उम्मीद करनी है, जो भी मांगना है, उस ईश्वर से मांगिए, वो आपको ज़रूर देंगे, वो कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। लेकिन ये दुनिया, ये लोग कभी आपको खुशी नहीं दे पाएंगे, और ना हम सबकी नज़रों में सही हो सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी की नज़रों में हम गलत ज़रूर होते हैं। हर इंसान को हम खुशी नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो आप दर्द सहन कर लीजिए, खुद दुख को सहन कर लीजिए, लेकिन कभी किसी और को दुख देने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि दुख सहन करने वाला इंसान तो एक दिन जीवन में सुख पा लेगा, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला इंसान जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे, जो आपने सपना देखा है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। और आप इस बात के लिए क्यों दुखी होते हो कि कोई आपके साथ नहीं है? भगवान हमेशा आपके साथ है। आपको ज़रूरत है कोशिशों की और प्रयास की। आधा सफ़र आप तय कर चुके हो, आधा सफ़र बाकी है। और हार मान लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है जो लोगों के डर से अपना रास्ता बदल ले। कामयाब इंसान खुद को इतना मजबूत बनाते हैं, इतना सशक्त बनाते हैं कि वो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। और इसलिए आपका सपना पूरा ज़रूर होगा, लेकिन लोगों के डर से अपने जीवन का फैसला कभी ना बदलें। आप मेहनत और प्रयास करें। जिस कार्य पर आप मेहनत करते हो, प्रयास करते हो, जो भी कार्य आप करते हो, उसका प्रदर्शन कभी किसी और के सामने मत करें, क्योंकि इंसान के अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम सबके सामने नहीं रख सकते, और सबके सामने कहना भी नहीं चाहिए। लोग आपकी इसी सादगी का फ़ायदा उठाते हैं, और कभी किसी से खुद की तुलना ना करें। इसलिए जो भी आप करते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित रखें, कभी किसी के दूसरे के सामने प्रदर्शित ना करें, और कहने से ज़्यादा करके दिखाने पर विश्वास रखें, क्योंकि जब आप कामयाब होंगे तो सब कुछ अपने आप सबके सामने आ जाएगा। इसलिए मेहनत और प्रयास जारी रखें, लेकिन सिर्फ अपने तक सीमित रखें,
कभी किसी और को इस विषय में कोई जानकारी ना दें, क्योंकि लोग आपकी इसी सादगी और भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। मेहनत आप करते हैं, मेहनत आप करें, कामयाबी का सहरा किसी और के सर बंधे। तो इसलिए जो भी कार्य करें उसे गुप्त रखें, कभी किसी से कोई जानकारी ना दें। बहुत जल्द आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जितनी बुद्धि और सहन शक्ति ईश्वर ने आपको दी है वो हर किसी के पास नहीं होती। और जिस इंसान के पास धैर्य होती है, सहन शक्ति होती है, तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। तो धैर्य का जो पेड़ है वो बहुत कड़वा है, लेकिन उस पर जो फल लगते हैं वो बहुत मीठे होंगे। और बहुत जल्द आपके धैर्य का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपको आपकी उपलब्धि, आपकी कामयाबी बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि वो वक्त बहुत करीब आ चुका है। बस आप मेहनत करते रहिए पूरी लगन से, क्योंकि अब आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।